ये देहरादून उत्तराखंड जी। हाँ जी, क्या नाम आपका जी? मेरा नाम वरीसा है। वरीसा? हाँ जी। कितनी उम्र है आपकी? 42। 42 साल। क्या दिक्कत है आपकी? जेईपीएस की प्रॉब्लम है। नाभि की प्रॉब्लम है? आईबीएस बताते हैं या डबल डिस्प्लेसमेंट? आईबीएस नहीं बताया, मगर डिस्प्लेसमेंट तो किसी ने बताया ही नहीं। आईबीएस बताया? आईबीएस। पैंक्रियाज भी कह देते हैं बहुत से लोग, पीटीआई वाले इसको। डबल डिस्प्लेसमेंट आईबीएस जी। तो भूख कम लगती है, पेट में दर्द रहता है, क्या दिक्कत है? हां, पेट दुखता है। पेट दुखता है, भूख कम लगती है? तो बहुत कम लगती है। और कब्ज रहता है या बार बार मोशन होता है? नहीं, कब्ज होता है। कब्ज होता है, इसका मतलब नाभि आपके ऊपर की तरफ है। हाँ जी। हाँ जी। तो इसको पहन के नाभि अपनी जगह पर आएगी, आपको आज के बाद मलवाना नहीं है। नहीं, हर स्टेट से पूरे हिंदुस्तान से पहनने के लिए आ रहे हैं और लगभग सभी को आराम है। थोड़ा अपना ध्यान रखे, आपने भारी वजन नहीं उठाना, दो महीने, एक महीना, तीन महीना, और नाभि अपनी जगह पर अपना पाएगी, आपने चेक नहीं करना। बहुत से लोग देखाएं मिला के देखते हैं, बहुत से लोग कहते हैं बाएं है दाएं है, बिल्कुल भूल जाओ कहाँ है वो, अपना आप अपनी जगह पाएगी। अच्छा। इसको पहनने से ठीक। और जब आप ठीक हो जाए हमें बताएं, और हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, कमेंट डालें और लाइक करें और शेयर करें, और उनको भी बताएं ठीक हो। बहुत बच्चे परेशान हैं, 18 साल से 30-32 साल तक के करीब 70 बच्चे पहन के चले गए 2-3 महीने में, और लगभग सभी को आराम है। फिर भी कोई दिक्कत हो फोन पे बात कर लें सुबह 9 बजे के बाद। और हमने अपना चैनल नमित छल्ला के नाम से बना रखा है यूट्यूब पे, NAMITCHALLA, कोई भी डालकर यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके हमारा चैनल देख सकता है। आपने भी यूट्यूब पे देखा होगा? जी, यूट्यूब पे देखा है। वरना आप ठीक ना हो पाते जी, जैसे आप इतने सालों से परेशान है। कितने साल से परेशान है आप? कंटिन्यू 1.5 साल हो गए। 1.5-2 साल हो गए बस, अब आपकी समस्या परमात्मा ने समय अच्छा आ गया, बस अल्लाह की कृपा से अब आप ठीक रहोगे। सही कह रहे आप, बहुत से लोग कहते हैं इस समस्या माइंड की है, आंखों की समस्या है, आपका माइंड की समस्या है, ऐसा भी बता रहे। नाभि को मेडिकल में मानते नहीं, चाहे मौलाना जाओ आप देहरादून वो अम्बाला में, चाहे जौलीग्रांट जाओ देहरादून में, चाहे पीटीआई जाओ, पैनक्रियाज बता दिया एक बच्चे को, किसी को आईबीएस बता दे, किसी को नेबल डिस्प्लेसमेंट, नाभि को कोई नहीं मानता। आदमी कह रहे चाचा एंडोस्कोपी करा दी मेरी, लेकिन मैं बिल्कुल उसमें कुछ नहीं आता और मैं परेशान हूँ, बस परमात्मा की कृपा। एंडोस्कोपी भी हुई है, सीटी स्कैन भी हुआ है। सीटी स्कैन भी कराया? हाँ जी। बताइए, और उसमें कुछ नहीं आता? सब कुछ नॉर्मल। फिर भी कहते हैं कि आपको भ्रम है, आपको माइंड की समस्या है, बस परमात्मा ने कृपा कर दी, अल्लाह ने, आपने यूट्यूब खोल लिया, वरना जीवन आपको पता कैसा बीत रहा होगा। बस ये तो आपने यूट्यूब पे डाल दी अपनी पोस्ट, वजह तो इस बच्चे की कृपा है, जो हमारा बेटा है नमित, इसने अल्लाह ने इसको बुद्धि दी और डाल दिया, तो पूरे हिंदुस्तान से फोन आ रहे, विदेश तक सारे, हांगकांग, मस्कट, कुवैत तक से फोन आ रहे। जो पंजाब की लेडी हांगकांग में, वो भी आएगी अब 3 महीने बाद, कह लेंगे मैं आऊंगी रामपुर स्टेट में भी, हमारा घर है पंजाब में भी है, इतना खुशी मिलती है। कोई 11 साल से परेशान, कोई 15 साल से परेशान, बहुत लोग परेशान है इसके, और इससे कोई भी दिक्कत हो, हल्कुनी सा दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, पिंडली दर्द हो, सर्वाइकल हो, हाथों में लहरें मारती है, सब इसको पहनने से ठीक हो जाती है बस। और कोई भी किसी तरह की कोई दिक्कत हो फोन पे बात कर लें, और चलते हुए फोन कर लें, और हमारा फोन नंबर 9411295804, सुबह 9 बजे से रात को 8 बजे तक कभी भी कोई भी बात कर सकता है, किसी को भी कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं, हमारी ये भी एक सेवा है, किसी को बताना भी और हमारा भी सेवा लगती है, कोई बात करता है बता देते हैं फोन पे, कैसी भी दिक्कत हो फोन पे बात कर ले। घुटने लोग बंधवा रहे 5-5 लाख रुपए के, हमारे यहाँ ओरिजिनल घुटने ठीक हो जाओ इसको पहन के, बहुत से लोग कह रहे हैं 4 बजे दर्द खत्म हो गया घुटनों का। गैप बताया था रश्मि शर्मा आई, रश्मि शर्मा आई 56 साल की, देहरादून से, कहने की गैप बताते हैं घुटनों में 80-85 किलो वजन, और 1 घंटे बाद कह रही मैं बिल्कुल ठीक होगी, मेरे कोई गैप नहीं, आज समय मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इससे बड़ा चमत्कार हमने नहीं देखा अपने जीवन में। 65 साल के चेयरमैन आए ओमप्रकाश भाकला से, रामपुर में नेहरान से पहले दिल्ली रोड पे, 1 बजे यहाँ से गए और 4 बजे फोन आ रहा मैं बिल्कुल ठीक हो गया, ऐसे से चमत्कार हुए कि छल्ला पहन के घुटने बिल्कुल ठीक हो गए। और कोई दिक्कत है हम थोड़ा बहुत बताते हैं अपना घरेलू उपाय, कोई दिक्कत नहीं, हमने यूट्यूब पे भी डाल रखा है। पेट बना से हवा गुड़गुड़ बोलता रहता है, बस वो अब नहीं होने का वो समस्या, आप चिंता ना करें, ये पीछे नहीं जाना चाहिए। अच्छा। यहीं पर जगह बनाएगा, और जब कभी पीछे चला भी गया
ये यहीं पर रहेगा तो भी आप ठीक रहेंगे। अच्छा। मकसद है अगर एक भी ठीक रहेगा, मैंने दो पहना दिए इसलिए आराम एक से भी हो जाता है, मेन तो हम यही पहनाते हैं। अच्छा। लेकिन किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो मजबूरी में हम इसमें भी पहना देते हैं। वैसे हम कोशिश करते हैं कि दो पहना दें, ताकि अगर ये ढीला हो जाए तब तक ये ढीला होगा तब तक नाभि अपनी जगह सेट हो चुकेगी, ऐसा नहीं उसमें बार बार दिक्कत होगी, ठीक है ना जी। और आप तो फिर भी पास में है, आपका परिवार है, आपका घर है, आप कभी भी आ सकते हैं, कोई चिंता ना करें। अभी 7 तारीख को सोनू त्यागी और विपिन त्यागी दो लड़के 32 साल के दिल्ली साहिब उदारी के पास से नाभि उतरती थी। एक लड़का 18 साल से परेशान और एक 10 साल से। 9 तारीख को फोन आया सोनू त्यागी का कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल जी, और मैं धन्यवाद करना चाह रहा 18 साल में जो ठीक नहीं हुआ 2 दिन में बता रहा मैं ठीक हूँ। उन्होंने कई लोगों को आगे बताया, उनके फोन आने शुरू हो गए, अपने परिवार में बात करा रहे अपने जो भी दिक्कत जिसको है। आप भी बिल्कुल संकोच ना करें, सुबह 9 बजे के बाद जब मर्जी आ जाएं और जब मर्जी फोन पे बात कर लें। फोन इसलिए कर लें कि भाई कभी बाहर ना गए हो, कोई बाहर साथ ना भाई। अब आप अपना ध्यान यहीं पे रखना अपने दर्द पे, आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुरानी ने कर दबा दी। अच्छा। चमत्कार देखना आप, भले ही बहू आई नहीं आई पता नहीं हमें, भी नहीं आई। हाँ, बस आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने पैर दबा दिया, बहुत ही हल्कापन चेहरे पर, खुशी आ जाएगी जब दर्द नहीं होगा। और ऐसा भी संभव है 1 घंटे के अंदर, अभी 1 बजा है, 2 बजे आपको 4 रोटी की भूख लगे, 5 रोटी की भूख लगे तो आराम से बैठ के खाएं, हल्का खाना दाल सब्जी रोटी, हैवी खाना ना खाएं, एकदम कढ़ी उड़द की दाल वगैरह, और ज़्यादा तेल छड़ों में ना डालने, ज़्यादा चिकनाई भी हम अच्छा नहीं मानते। अभी 2-3 महीने नॉनवेज का भी फ्रेम रखना, क्योंकि ज़्यादा चिकनाई पड़ती है और कोई बात नहीं, बाद में आप 2 रोटी खाएं। नॉनवेज को मुझे तो हो गया। हाँ, नहीं वो उसमें ज़्यादा ऑयल पड़ता है, ज़्यादा ऑयल खाना भी सभी बीमारियों में नुकसान करता है। अपने तबियत का ध्यान रखें और ठीक हो क्या हमें भी बताना, और हमारे चैनल पर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बच्चों से करा देना अगर आपको नाता हो करना, वैसे भी कर लेना वो कमेंट डाल के मैं ठीक हूँ, इससे लोगों को भी अच्छा लगता है, देखने वाले देखते हैं तो कहते हैं भाई जब कमेंट पढ़ते हैं भाई ठीक हो गए तो बड़ा अच्छा लगता है देखने वाले को भी, आने वाले को भी। भगवान ने एक रास्ता बनाया, सिर्फ 2 में अगर उसमें दिक्कत हुई तो अलग बात है, वरना आपको पता नहीं लगेगा, और ये सब जरूरत नहीं पड़ेगी आप पहनने की। बहुत से लोग कान भी धुआ लेते हैं, बहुत से लोग लोहे का बनाते हैं पैर के अंगूठे में, जो बताया वो किया, करते हैं मजबूरी में, लेकिन ये इसका सबसे सुंदर सॉल्यूशन है। अब आपको डाल दिया ना, दो ध्यान में ले जाओ, इससे कोई आपको देखना नहीं, इधर अपना आप घूमेगा 2-4 दिन बाद, और जब तक ये ढीला होगा आपकी नाभि सेट हो जाएगी परमानेंट। फिर भी कभी जब बहुत ढीले हो, जब दोनों ढीले हो जाएं, तो जरा सा कटिंग करा के जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, इसी तरह खोल के और इसी जगह पे जहाँ ये निशान बनेगा इसी जगह पे दबा के बेटा ही कर देगा, या पास में कोई सुनार की हेल्प ले लो। बस हम कोरियर से भी भेजते हैं, बहुत से जो महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से हैं, जब भी यहाँ पड़ते हैं बहुत दूर राजस्थान में, बिहार में, लेकिन आ जाए तो और अच्छा, वरना हम कोरियर की सुविधा भी दे रखी है। फिर हम वीडियो फिल्म भेजते हैं बना के, उससे देख के अपना वो सेवा ली जा सके जो ज्यादा दूर है, मजबूर है। अमेरिका तक लोग देख रहे, अमेरिका के गूगल पे हमारा चल रहा पैनक्रियाज नाभि का सबसे पहले नंबर पे चल रहा, देख लेना गूगल पे खोल के। और वो ऑपरेशन करते हैं पैनक्रियाज में, पेट का मांस निकाल के टुकड़ा बाहर रख गया एक लेडी का, दिल्ली की 65 साल की। बेटे ने बात की मम्मी का इतना मांस निकाला पेट से, पैनक्रियाज बताते हैं, और वो लड़का 2 घंटे में ठीक हो गया, जो हमारे पास आया चंडीगढ़ का, यही जनता रोड पे वारका संदल बेटा थे, सतीश जी का बेटा भी 2017 में आया था सितंबर में, और 2 घंटे यहाँ बैठा, पेट में दर्द, पेटू में दर्द और सांस की नली में दर्द,
पहले पेट का दर्द सही हुआ, भूख लगने लगी, फिर पेट का दर्द ठीक हुआ, फिर सांस की नली का बिल्कुल ठीक हो गया लड़का, और आज वो लड़का बिल्कुल ठीक है। और जाके मैंने कहा हल्की सब्जी दो रोटी दो, डॉक्टरों ने हाँ और डॉक्टरों ने पैनक्रियाज बताया उसको, उनको पता नहीं था नाभि क्या होती है, घर वालों को नाभि उतरी हुई, वो तो सोच रहे पता नहीं क्या हो गया पेट में। तो उसको अनार बंद, सेब बंद, रोटी बंद, दाल का पानी और दलिया बता रखा था, आज वो लड़का बिल्कुल ठीक है। सिर्फ एक ही बार आया हमारे पास, चार छल्ले बनाए, लड़का दो घंटे में ठीक हो गया। इतनी खुशी मिलती है। सतीश जी का बेटा अमित है, संदर बेटा कुमार के बराबर में, और गरीब आदमी 3 बीघे जमीन बेची, 7 लाख रुपया लगाया बेटे बेटे को उन्होंने, 22 दिन ज्वेलरी ग्रांट रहे, बराड़ा रहे, PGI में रहे, और 4 साल यहाँ घूमे शहर में। और परमात्मा ने कृपा कर दी, किसी ने पता बता दिया, कार्ड भी इसलिए छपा रखे जिसे कभी किसी को देना हो, इस पर पूरा एड्रेस है, इसे लेके आ जाओ और ये हमारा वो भी सिलिया पर इसे कहीं लगा दो। तो उसमें क्या है, चलने से पहले जरूर बता दे कि हम आज आ रहे हैं, सुबह 6 बजे फोन कर दो, उसकी कोई दिक्कत नहीं।